हम दोस्तों सुन इस प्लांट की ट्रिमिंग प्रूनिंग करने वाले हैं और इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी डालने वाले हैं। अगर सेट प्लांट की कटिंग करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की कटिंग रह जाती है तो आप उसे फेंकिए ना, उसे तुरंत ग्रो कर दीजिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जेड बॉन्साई। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंपल से पॉट के अंदर हमारा एक रफली जेड प्लांट है। आज हम इसको एक जेड बॉन्साई बनाएंगे, मतलब एक ट्रे के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और रूट ओवर रॉक स्टाइल में बनाएंगे। तो यहाँ पर आप रॉक्स देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी रॉक्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई एक रॉक सेलेक्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले इस प्लांट को इस पॉट में से निकाल कर देखते हैं। कुछ इस तरह से हमारे जेड प्लांट की रूट्स नज़र आएगी। आप देख सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग रूट्स है जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इन रूट्स को वॉश कर देते हैं और चेक करते हैं एक्चुअल हमारा रूट्स का स्ट्रक्चर कैसा है। अब दोस्तों काफ़ी अच्छी लेंथ है हमारे रूट्स की, तो हम इतनी कट कर देंगे। ये वाला स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलिए इसी के साथ हम रूट ओवरऑल स्टाइल बनाएंगे। अब यहाँ पर पॉट हमारा कुछ इस तरीके का होगा, चीनी मिट्टी का बना हुआ है दोस्तों और ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर के साथ वो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा जमेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर राउंडेड शेप बहुत अच्छा है। अब दोस्तों सॉइल मिक्सचर आप ध्यान से सुन लेना, 50% सैंड है और 50% सॉइल है जिसको हमने पहले से मिला दिया है। उसके बाद दोस्तों हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड करा है, 30% वर्मी कंपोस्ट और 70% ये वाला सॉइल मिक्सचर है। तो आप इस मिक्सचर को अच्छे से याद रखिए और प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो आपका जेड प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अब यहाँ पर हम पॉट का ड्रेनेज होल कवर कर रहे हैं जिससे सॉइल मिक्सचर बाहर ना निकले। कुछ इस तरह से आपको सेंटर में हल्का सा होल बनाना है क्योंकि हमारा स्टोन यहाँ पर रहेगा। अब दोस्तों पॉट में हम स्टोन लगाएंगे कुछ इस तरह से, डबल स्टोन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे प्लांट्स की रूट्स बहुत अच्छी है। कुछ इस तरह से ये नज़र आएगी। चलिए पॉट के अंदर सेट कर देते हैं प्लांट को। यहाँ पर हमारा प्लांट हमारे पॉट के अंदर लग चुका है, बट दोस्तों वेट करें आप थोड़ा सा, यहाँ पर प्लांट थोड़ा सा झुक रहा है हमारा, तो हम स्टोन की मदद से प्लांट को थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे। प्लांट की थोड़ी सी ट्रिमिंग कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि नज़र आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों पानी पिलाने का समय आ गया है। आप बोलेंगे कि यहाँ पर रूट्स तो नज़र आ ही नहीं रही है, थोड़ी देर में यहाँ शो करूँगा, सबसे पहले हम वाटर डाल देते हैं। अब प्लांट अपनी ग्रोथ धीरे धीरे लेगा और दोस्तों कुछ समय बाद हमारा प्लांट कैसा नज़र आएगा। कुछ समय के बाद हमारा जेड बॉन्साई इस तरह से नज़र आएगा। हम दोस्तों सुन इस प्लांट की ट्रिमिंग प्रूनिंग करने वाले हैं और इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी डालने वाले हैं क्योंकि समय आ गया है इसकी प्रूनिंग करने का और फर्टिलाइज़र डालने का। और यहाँ पर हमने एक छोटा बॉन्साई भी बनाया था, मामे बॉन्साई, इसका भी एक वीडियो डाला था, वो दोनों के लिंक वीडियो में आ जाएंगे। इसका तो वीडियो बना हुआ है, इसका आ जाएगा जैसे ही आता है, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर, या फिर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ समय बाद ये वाला प्लांट भी अपनी रूट्स एक्सपोज करने लग जाएगा, दिखाने लग जाएगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप जेड प्लांट उगाते हैं या नहीं और आपके कलेक्शन में कितने जेड प्लांट हैं। मेरे पास तो काफ़ी सारे हैं। अगर जेड प्लांट की कटिंग करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की कटिंग रह जाती है तो आप उसे फेंकिए ना, उसे तुरंत ग्रो कर दीजिए।
क्योंकि तो आने वाले वीडियोस में आपके साथ मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जेड प्लान की कटिंग के साथ। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको कुछ इस तरह से सारी की सारी कटिंग को सॉइल में घुसाना है करीब आधा से एक इंच के आसपास। अगर बेस पर कोई लीफ पार्ट है तो आप इस तरह से रिमूव कर दीजिए।